मित्रों नमः संस्कृताय। नमः संस्कृताय। आज के पाठ में हम दूरा धूते च सूत्र पढ़ेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण में। इससे पहले हमने इंद्रे च सूत्र तक का पाठ देख लिया है। इंद्रे च सूत्र में हमने गवेंद्र रूप कैसे बनता है, गो के बाद इंद्र है, वहाँ इंद्रे च सूत्र से गो के गो में जो ओ है उसके स्थान पे अवंग हुआ और अवंग होने के बाद क्या हो गया, अव बचता है ग अव इंद्र गुण करते हैं गवेंद्र बन जाता है। यहाँ तक का अध्ययन हमारा हो चुका है। अब आज हम पढ़ते हैं दूरा धूते च सूत्र कैसा है। दूरा आहूति धूते दूरा धूते च इसका पदच्छेद अगर करेंगे तो ऐसा होगा दूरात दूरात हूते च दूरात हूते च ऐसा होगा, ठीक है ना जी। अच्छा आप सब व्यवहार में समझते होंगे, कोई व्यक्ति यहाँ पास में बैठा है उसको बुलाएंगे मनीष जी, ऐसे बुला लेंगे ना जी। चल जाएगा जी। महेश जी ऐसे बुला लेंगे, लेकिन अगर दूर है दूर है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम बैठे यहाँ से 50 मीटर दूर है वो, तो उसको कैसे बुलाएंगे, क्या उसको भी ऐसे बुला देंगे मनीष जी इधर आइए, नहीं पहुँचेगी ना उस तक आवाज। तो इसलिए अगर दूर से संबोधन कर रहे, हूते मतलब बुलाना संबोधन करना, कहाँ से दूर से। दूर से अगर दूर से हम बुलाते हैं दूर से संबोधन करते हैं तो क्या होता है, तो वो तेज से बोलना पड़ता है, तेज से बोलना पड़ता है, आवाज को बढ़ा के बोलना पड़ता है, प्लुत करना पड़ता है, उसी को प्लुत हो जाता है, आप चाहें या ना चाहें प्लुत बोल दिया जाता है। किसको प्लुत होता है, इसके लिए भाई आप ये जो दूरात हूते च सूत्र है 8240 के आसपास मिलेगा, 8284 आठवें अध्याय के दूसरे पाद में 84 नंबर सूत्र है, अष्टाध्यायी में उसको निकाल लेंगे 8284। उससे पहले आपको सूत्र 82 नंबर में मिल जाएगा वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः, वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्तः 82 नंबर 82 नंबर सूत्र है ना जी। तो वाक्य का जो टी भाग है किसी भी वाक्य का, दूर से बुलाते हैं तो खाली एक शब्द बोल के नहीं बुलाते हैं, वाक्य बोलते हैं, अगर दूर से बुला रहे हैं और कोई वाक्य बोल रहे हैं तो उस वाक्य का जो टी भाग है, टी भाग है वह टी भाग क्या हो जाता है, प्लुत हो जाता है, पर कब, जब दूर से बुलाते हैं, इतना ही अर्थ है, ठीक है। दूरात हूते वाक्यस्य टेह पुलतः, ठीक है, दूर से आवाहन करने में वाक्य के टी भाग को प्लुत करना चाहिए, जिसकी टी संज्ञा होती रही हो, जो टी है उसी को प्लुत करेंगे। अब टी क्या है वो आप पहले पढ़ चुके हैं ना, अचोन्त्यादि टी, अंतिम स्वर वर्ण जो है उस स्वर वर्ण से आरंभ कर दीजिए और जितने भी वर्ण आएंगे वो सभी टी कहेंगे, टी कहे जाएंगे। जैसे दूरात, दूरात में यहाँ अंतिम वर्ण आ है, अंतिम स्वर वर्ण, इसे आरंभ कर देंगे तो ये आत टी कहा जाएगा, और हूते में केवल टी क्या कहा जाएगा, ए, क्योंकि अंतिम स्वर वर्ण से आरंभ करने के बाद और कोई स्वर वर्ण नहीं, और कोई व्यंजन वर्ण नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जो वाक्य का टी भाग होगा दूर से बुलाने में वह टी भाग प्लुत हो जाता है, वह क्या हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। अब देखिए अगर प्लुत हो जाएगा तो उसका फल क्या मिलता है, प्लुत हो जाएगा तो उसका फल क्या मिलेगा आपको,
ऐसे ही प्लुत कर देते हैं। अब मान लीजिए कहीं कहीं दो दो वाक्य बोल जाते हैं। वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब क्या होता है, पहले आप इस दूरात धूते च सूत्र की वृत्ति में पढ़ेंगे अगर, तो दूरात संबोधने वाच्ये, दूरात संबोधने वाक्य से टेहे प्लुतस्य, है ना जी। दूर से बुलाने में वाक्य का टी भाग जो है वह प्लुत हो जाता है विकल्प से, वह प्लुत हो जाता है कैसे, विकल्प से। अब प्लुत के हो जाएगा ना, पर वाक्य क्या होता है, ये किसके टी भाग को प्लुत कर रहा है, वाक्य के टी भाग को। वाक्य क्या होता है, जिसमें एक तिङन्त पद का प्रयोग हो वह वाक्य होता है। एक तिङ वाक्यम, यह वाक्य की परिभाषा है। वाक्य की परिभाषा क्या है, एक तिङ वाक्यम, जिसमें एक तिङन्त का प्रयोग हो, यानी कम से कम एक क्रियापद का प्रयोग होना ही चाहिए, वही वाक्य कहा जाता है। ठीक है जी। अगर कहीं आपको दो क्रियापद का प्रयोग दिखाई पड़ जाए तो वहां पर दो वाक्य है, ठीक है ना, वहां पर क्या है, दो वाक्य है। छोटे छोटे वाक्य भी हो सकते हैं, बालक अस्ति यह भी एक वाक्य है, कृष्ण आगच्छ यह भी एक वाक्य है, है ना, जलम पिब यह भी एक वाक्य, क्रियापद, क्रियापद अगर लगा है तो वो वाक्य हो जाता है। अब उस वाक्य का जो टी भाग है, यानी अचोन्त्यादि भाग जो है, अंतिम स्वर वर्ण से आरंभ करके जो भाग है, वह टी भाग प्लुत हो जाता है। आप समझ लीजिए कृष्ण बहुत दूर है, ठीक, कृष्ण बहुत दूर है, और कृष्ण से कोई उनका मित्र बुला रहा है, आगच्छ कृष्ण, अत्र गौश्चरति, ये दो वाक्य हैं, ठीक है। पहला वाक्य क्या बोलेंगे, आगच्छ कृष्णा, कृष्णा में जो अ है वह टी भाग है ना, उसको प्लुत कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति, यहां पर गाय चर रही है, इधर आओ। अब यहाँ इस वाक्य में समझना दो वाक्य है, एक पहला वाक्य क्या है, आगच्छ कृष्ण, और दूसरा वाक्य है अत्र गौश्चरति। समझना ऐसा है, पहले वाक्य का अंतिम हम शब्द लेते हैं, अगर संधि करनी है तो संधि समझने के लिए, ये कृष्ण है, उससे पहले आगच्छ से आपको मतलब नहीं लेना है, पहला, पहले क्या है, आगच्छ, आगच्छ में अंत में अ है, यहाँ शुरुआत में क है, इन दोनों के बीच में कोई संधि नहीं होती, संधि का कोई निमित्त नहीं है यहाँ पर। कृष्ण में अंत में आ है और अत्र में शुरुआत में भी आ है, आकाश सवर्ण दीर्घ, ये नियम पढ़ा होगा, यहाँ भी अ हो यहाँ भी अ हो तो दोनों में पूर्व परायो हो एक स्थाने एका दीर्घ, एक दीर्घ आदेश हो जाता था ना, कृष्ण अत्र ऐसा होता तो कृष्णात्र हो जाता, हो जाता ना जी। लेकिन अत्र और गौश्चरति को अलग रख दीजिए, कोई बात नहीं, इसमें तो संधि हुई है, गौ चरति का गौश्चरति हो गया था, ठीक है ना। अब कृष्ण, ये एक पहला वाक्य है, कौन सा, आगच्छ कृष्ण, क्योंकि इसमें एक तिंग का प्रयोग हुआ है, तिङन्त यानी एक क्रियापद, आओ यह एक क्रियापद है, जहां भी एक क्रिया का प्रयोग हुआ हो वह एक वाक्य है, तो ये पहला वाक्य है। इस वाक्य का टी भाग क्या है, टी भाग यानी अंतिम स्वर वर्ण से आरंभ करना है, यहां पर स्वर वर्ण, अंतिम स्वर वर्ण कृष्ण के अंत ण के बाद वाला जो अ है वह है, वही टी भाग है ना जी। उस टी भाग को प्लुत कर दिया जाता है, दूरा धूते च सूत्र कहेगा, अगर दूर से बुला रहे हैं, नजदीक से बुला रहे हैं कृष्ण तो चल जाएगा काम है, लेकिन दूर से अगर बुला रहे हैं तो वाक्य का जो टी भाग होता है, यहाँ पहले वाक्य का जो टी भाग कृष्ण का अ है वह प्लुत हो जाता है, प्लुत हो जाएगा। तो अब ये जो कृष्ण है इसको क्या मानेंगे आप,
प्लुत मानेंगे ना जी। यह कृष्ण ऐसा नहीं है, यह कृष्ण ऐसा वाला है, है ना। आगच्छ कृष्ण, है ना, बढ़ा के बोलना पड़ता है। आगच्छ कृष्ण, ना बढ़ाना पड़ता है ना, तो ना में जो अ है। तो अब यह जो कृष्ण है यह प्लुत है, फिर भी है तो अक ही है ना। अक इधर अक है, इधर भी अक है, सवर्ण है ना। प्लुत अभी सवर्ण होता है, और भी प्रक्रिया दशायाम तु विवृतमेव, ये पढ़ा था ना हमने। ह्रस्व अ जो होता है वह इधर, ह्रस्व अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इधर जो प्लुत आ है उसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। दोनों का उच्चारण स्थान एक है, आस्य तो तुल्य हो गया। प्रयत्न देखते हैं, इसका प्लुत का विवृत है, ह्रस्व का भी पहले समृत है लेकिन प्रयोग में ही। अगर प्रक्रिया कर रहे हैं, व्याकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो ये भी विवृत ही है। तो आस्य और प्रयत्न दोनों तुल्य है, इसलिए तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम से ये भी ये इस वर्ण का ये वर्ण सवर्ण है। और अका सवर्ण दीर्घा कहेगा कि दीर्घ कर दीजिए, है ना जी सर, दीर्घ होना चाहिए ना जी। अब आप दूरा दूते च सूत्र के अर्थ में केवल इतना समझिए कि अगर आप कहीं किसी को भी दूर से बुलाते हैं तो वाक्य के टी भाग को प्रयत करना चाहिए। कहीं ह्रस्व होता है फिर भी उसको प्लुत करके उच्चारण करना चाहिए। ऐसे कई नियम हैं, वही 8-2-80 के आसपास जितने भी नियम हैं वाक्य से टेह प्लुत उदाता, उन सब में वही कई नियम बताए गए हैं प्लुत करने के। प्रत्यभिवादे शूद्रे भी एक है। अगर आप देखिए पहले के जमाने में कोई अगर प्रणाम करता था गुरुओं को, तो गुरु आशीर्वाद देते समय उसको उसके नाम को प्लुत करके उच्चारण करते थे जी। ऐसा नियम था। आयुष्मान एधि देवदत्त, देवदत्त के ती को बढ़ा प्लुत करके बढ़ाए, ऐसे आशीर्वाद देते थे। प्रत्यभिवादे शूद्रे एक ऐसा नियम है, उस नियम के अनुसार वो अभी विषयांतर हो जाएगा। पर प्लुत होता है, उस प्लुत का क्या फायदा है, तो वह दूरा धूते च सूत्र का कहना केवल इतना है कि दूर से अगर बुलाते हैं तब क्या होता है, वाक्य के टी को प्लुत कर देना। अब इस प्लुत करने का फल क्या मिलेगा, प्लुत करने का फल जो मिलेगा वह अगले सूत्र में सुनना। तो सर यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा इसका ना, दीर्घ नहीं, दीर्घ होगा या नहीं होगा ये अगले सूत्र के बाद समझेंगे। ऐसा भी तो आप बोल सकते हैं कृष्ण आगच्छ, क्रिया बाद में नहीं करते, फिर जो छ में आ है वो टी हो जाएगा, इतना ही है ना जी सर। ठीक है, अब आगे बताइए प्लुत प्रक्रिया। अगला सूत्र जो है वो पढ़ेंगे तब इस वाक्य को समझेंगे। प्लुत प्रक्रिया, प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम, प्लुत प्रक्रिया चिनित्यम, ये इतना वाक्य याद रहेगा ना। एक मिनट, ये दूरा दूते च सूत्र को मिटा देते हैं, इस वाक्य को हम ऊपर करके रख देते हैं, ये यहाँ याद रहेगा ना जी। अब अगला सूत्र हम समझते हैं प्लुत प्रक्रिया यहाँ अवग्रह लगाएं तो भी चलेगा, नहीं लगाएं तो भी चलेगा, क्योंकि पाणिनि जी ने कहीं अवग्रह लगाने का नियम नहीं बताया। प्लुत प्रगृह्या चिरित्यम, ये नई संधि आप पढ़ रहे हैं। नई संधि मतलब इस प्रकार की संधि को प्रकृति भाव संधि कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति भाव संधि मतलब क्या होता है, जैसा है वैसे का वैसा रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो आगच्छ कृष्ण अत्र में कृष्ण का आ क्या है, प्लुत है ना जी। प्लुत हो, सूत्र का इतना ही अर्थ है जी। सूत्र का अर्थ समझने का प्रयास करिएगा कि प्लुत हो अथवा क्या हो, प्रगृह्य हो।
प्लुत क्या है अभी आप समझ गए, आपके मन में प्लुत क्या होता है ये पता चल गया ना। अगर दूर से बुलाते हैं तो वाक्य के टी को वाक्य के संबोधन अगर कर रहे हैं किसी का तो वाक्य के टी को आप प्लुत कहेंगे। प्लुत क्या होता है ये पता है, प्रगृह क्या होता है वो अगले सूत्र से समझेंगे। ठीक, प्रगृह क्या होता है, इदुदे द्विवचनम प्रगृह मदसोमात छे निपात एकाजनांग इत्यादि कई सूत्र है वो समझेंगे। तो प्लुत हो अथवा प्रगृह हो, ठीक है, समझ रहे हैं प्रभु जी, प्लुत हो अथवा प्रगृह हो उसके तुरंत बाद क्या हो अच्छ, इधर प्लुत हो अथवा प्रगृह हो उसके तुरंत बाद क्या हो अची, अची में सप्तमी लगी है यानी सप्तमी का अर्थ क्या होता है तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, याद कीजिएगा। हाँ, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य क्या कहता है, अगर सप्तमी लगा है तो जो कुछ भी काम होगा वह उसके तुरंत पूर्व के स्थान पे होगा। तो अची में सप्तमी लगी है तो जो काम होगा वह इस अच के पूर्व वाले के स्थान पे ही होगा, ठीक है। तो इस अच के पूर्व में ही, अच के तुरंत पूर्व में क्या होना चाहिए, प्लुत अथवा प्रगृह है। इसका दूसरे तरह से अगर बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं, प्लुत अथवा प्रगृह के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए, ठीक। या चाहे ऐसा बोले तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र के आधार पर चाहे ऐसा बोले कि अच के तुरंत पूर्व में प्लुत अथवा प्रगृह होना चाहिए, चाहे ऐसा बोले कि प्लुत अथवा प्रगृह के तुरंत बाद में अच्छे होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या होता है, नित्यम जैसा है वैसा ही प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होता है। ये प्रकृति भाव का प्रकरण लंबा है, अष्टाध्यायी में भी इसको समझेंगे, पर अभी जब इसको हम वो प्रगृह समझने के बाद जब प्रकृति भाव समझेंगे तो उसको विस्तार से बताएंगे। पर अभी इतना समझिए, प्रकृति भाव मतलब संधि का ना होना, जैसा है वैसे का वैसा रह जाना, कोई भी परिवर्तन ना आना। पर यह परिवर्तन ना आना कब होगा, जब इधर कोई प्लुत अथवा प्रगृही हो, प्लुत हो अथवा प्रगृही हो और उसके तुरंत बाद क्या हो अच्छ, तो जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। यानी आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति में कृष्णात्र गौश्चरति ऐसा नहीं होगा, संधि नहीं होगी, जैसा है वैसे का वैसा रूप रह जाएगा। अब अगर आपको प्रश्न आता है कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताएंगे, प्रकृति भाव संधि है। किस सूत्र से है, प्लुत प्रगृहयाचि नित्यम। क्यों हुआ, क्योंकि दूराद् धूते ने च ने कहा था कि दूर से संबोधन करते हैं तो वाक्य का टी प्लुत होता है। कृष्ण क्या है, कृष्ण में जो आ है वह प्लुत है, और प्लुत है इसलिए, क्यों प्लुत है, क्योंकि कृष्ण को दूर से बुला रहे हैं, वो भी दूर चला गया है, दूर से बुला रहे हैं इसलिए वह प्लुत है, और उसका टी भाग यानी उसका अंतिम स्वर वर्ण प्लुत है, और प्लुत है तो क्या होगा, उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो प्रकृति भाव होता है, यानी कोई संधि नहीं होती, ठीक है। इतना समझ गए, इसमें किसी को कोई प्रश्न, प्लुत प्रगृहयाचि नित्यम का भी अर्थ समझ में आ गया है ना, विकल्प से होगा ना। हाँ, प्लुत जो होता है वह विकल्प से होता है। अच्छा। तो जब प्लुत नहीं रहेगा, वाक्य के डी भाग को प्लुत नहीं मानेंगे तो संधि हो जाएगी, संधि हो जाएगी प्रकृति भाव नहीं। तो ऐसा प्रकृति भाव भी होता है, पर जब प्लुत नहीं मानेंगे, विकल्प से प्लुत होता है, हाँ। तो संधि हो जाएगी, ठीक है। धीरे से बुलाएंगे प्लुत नहीं होगा, धीरे से बुलाएंगे प्लुत हो जाएगा। अब इसके बाद प्लुत प्रगृहयाचि नित्यम सूत्र का अर्थ एक बार वृत्ति पढ़ लीजिए, क्या लिखा है वृत्ति में, एतेचि प्रकृतिया स्युः, एते एते मतलब यहाँ एते बहुवचन वाला नहीं है, एते इससे प्लुत से, या अगर ये एते को बहुवचन मानते हैं तो प्लुताः च प्रगृहयाः च, प्लुत प्रगृहयाः ऐसा बहुवचन, ठीक। जो प्लुत हूँ और प्रगृह्य हूँ ये बहुवचन, प्लुत और प्रगृह्य
अचि यानी अच पर में हो तो प्रकृत्याह स्युः यानी प्रकृति भाव होता है। एते मतलब बहुवचन का ही है यहाँ। ये क्या है, विधि कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, तो इसलिए विधि लिंग नकार का स्युः का प्रयोग करते हैं। हमेशा स्यात या स्युः यही सब प्रयोग करेंगे विधि लिंग के लकार के ही उसका। अब देखिएगा यहाँ समझना आपको यह है, एते मतलब ये सब, ये सब मतलब कौन, प्लुत और प्रगृह्य है। प्लुत और प्रगृह्य अचि, यदि अच तुरंत बाद में है तो प्रकृत्या स्युः यानी प्रकृति भाव को प्राप्त होते हैं, उसमें संधि नहीं होती है। इतना समझ जाएंगे जी सर। इससे आगे क्या है, उदाहरण दिया होगा वही, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, समझ गए इतना। तो पंक्ति का, हर एक पंक्ति का, पंक्ति में स्थित हर एक शब्द का अर्थ समझना ही हमारा लक्ष्य है। इससे आगे चले, आगे सूत्र कौन सा है, ईदुदे द्व्यचनम प्रगृश्यम। अब प्लुत का तो समझ गए हैं ना आप उदाहरण, प्लुत के बाद कौन सा समझेंगे, प्रगृश्य। प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद स्वर हो तो नित्य ही प्रकृति भाव होता है यानी संधि नहीं होती, यही है ना। तो अब जो सूत्र आ रहा है प्रगृह्य क्या है उसको बताने के लिए, प्रगृह्य क्या है ये आपको अगर समझना है तो इसके लिए सूत्र है ई दू देद ईदू देद, ठीक ऐसा भी लिखते हैं, इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, ईदू देद द्वि व च नम, ईदू देद द्विवचनम प्रगृह्यम, प्रगृह्यम, ठीक है ना, स्पष्ट दिख रहा है। ईदू देद ईत, इसमें ती, इसको अगर पदच्छेद करके लिखते हैं पहले जी, ईत ठीक जी, ऊत और ईत, एत, ये तीन चीजें, ईत ऊत एत, ईत ऊत एत, ये तीन चीज है ना, क्या क्या, ईदू देत, ठीक यही तीन है ना, आपको दिख रहा है इसमें संधि के कारण त के स्थान पे द हो गया है, ईत प्लस उत ईदूत, ईदूत प्लस एत ईदू देत, ठीक ईदू देत प्लस द्विवचनम तो ईदू दे द्विवचनम, सभी जगह त को द हो गया है संधि के कारण, ठीक है। ईदू दे द्व्यचनम प्रगृह्यम का अर्थ समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ईत ऊत एत द्विवचनम, ये इतनी विशेषता होनी चाहिए, चार चीज ये ध्यान रखेंगे तो प्रगृह्य समझ जाएंगे। यानी प्रगृह्य उसी को कहेंगे जिनके अंतर अंदर इन में से कोई विशेषता हो। ईत मतलब क्या, बड़ी बड़ी ई, ईत मतलब दीर्घ का दीर्घ ई, दीर्घ ई होता है ना, अगर कहीं भी त का ग्रहण किया गया है तो तपरस तत्कालस्य वाला नियम हमने पढ़ लिया है, पढ़ा है ना जी, याद है जी। वह केवल दीर्घ के बाद लगा है तो केवल दीर्घ का ही ग्रहण कराएगा, ह्रस्व और प्लुत का नहीं। तो ईत मतलब ई कारांत, दीर्घ ई कारांत होना चाहिए। इसी तरह ऊत का मतलब क्या होगा, दीर्घ कारांत, और एत का अर्थ क्या होगा, एकारांत, वर्णात्कार प्रत्यय ना गुरु जी, वर्णात्कार प्रत्यय उकारांत। अब देखिए ये
ईकारांत कहिए या ऊकारांत कहिए या एकारांत, इन तीनों में से कोई एक वर्ण अंत में होना चाहिए। अगर अंत में क्या होगा, ई होगा तो ऊ या ए नहीं होगा, ये तो आपको पता चलता ही है। अगर किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण ई है तो ऊ अथवा ए नहीं होगा, अगर ऊ है तो ई अथवा ए नहीं होगा, कोई स्वर नहीं होगा, और अगर ए है तो ई अथवा ऊ नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो इन तीनों वर्णों में से कोई एक वर्ण अंतिम वर्ण के रूप में होना चाहिए। ई दू देत का अर्थ क्या हुआ, ई अथवा ऊ अथवा ए, इन तीनों में से क्या होना चाहिए, कोई एक, क्योंकि तीनों एक साथ संभव नहीं है, तीनों में से कोई एक अंतिम वर्ण के रूप में होना चाहिए। और दूसरी विशेषता उस शब्द के अंदर क्या होनी चाहिए, पहली विशेषता कि इन तीनों में से कोई एक वर्ण अंत में आना चाहिए, दूसरी विशेषता उसकी शब्द की यह होनी चाहिए कि वह शब्द द्विवचन हो। अब देखिए, जैसे ये शब्द ले लीजिए आप, हरि शब्द, इसके अंत में क्या है, ई है, दीर्घ ई तो नहीं है ना, तो इसको सोचना ही नहीं है ना, नहीं है, चलो ठीक है। आपके लिए हम दूसरा शब्द देते हैं उदाहरण के रूप में, ये शब्द लेंगे क्या, ये नदी, इसके अंत में ई आ रहा है ना, लेकिन ये द्विवचन नहीं है, एक वचन है, द्विवचन नहीं, यानी दोनों विशेषताएं आपको देखनी है, ठीक। अगर अंत में ई आ रहा है, अंत में ऊ आ रहा है, अंत में ए आ रहा है, तो उसको आप दूसरी कसौटी पे कस के देखिए कि क्या वह द्विवचन है या नहीं, ये प्रगृह्य नहीं कहा जाएगा, ठीक है। चमू हर हरी हो जाएगा, चमू चमू मान लीजिए ऊ है अंत में, वो भी नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को लेना है जिनके अंत में ई ऊ ए आता हो, उसके साथ साथ वो द्विवचन का है, द्विवचन भी हो। तो ऐसा उदाहरण एक ले लीजिए, हरी शब्द का द्विवचन बोलेंगे क्या होगा, हरी हरी। आप द्विवचन अगर हरी शब्द का रूप जानते हैं तो हरी हरी हराया, ऐसे तीन रूप बनते हैं ना, ये हरी है, ये द्विवचन है, ये प्रागृहि संज्ञा होगा ना। देखिए हरी शब्द का रूप ऐसा होता है, हरी ही, ये एक वचन है, दूसरा है हरी, और बहुवचन में क्या आता है, हराया, ऐसा ही आता है ना, ये हरी क्या है, द्विवचन है ना, द्विवचन होने के साथ साथ दीर्घ ई अंत में है, तो दोनों शर्त लग रहा है, इन तीनों वर्णों में से कोई एक वर्ण अंत में है भी, और उसके साथ साथ वह द्विवचन भी है, तो हरी क्या कहा जाएगा, प्रगृह्य कहा जाएगा, हरी का अंतिम वर्ण ई प्रगृह्य माना जाएगा, ठीक। किसी भी द्विवचन के अंत में आने वाले ई ऊ ए प्रगृह्य कहलाते हैं, ये द्विवचन का अंत में आ रहा है ई, इसलिए ई क्या कहा जाएगा, प्रगृह्य। तो इसमें पूरा पद प्रगृह्य होगा, केवल दीर्घ ई होगा हरि में, दीर्घ ई जो है उसी को प्रगृह्य मानेंगे। या वृत्ति में देखिए क्या लिखा है, ईदु दे दंतम द्विवचनम प्रगृहम, ऐसा कहा है ना, हाँ सर। तो ईत उत एत जिसके अंत में हो वो भी प्रगृह्य कहा जाता है, तो पूरे हरि को प्रगृह्य कहेंगे, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अब ये जो हरि है यह प्रगृह्य है ना, इसी तरह दूसरा उदाहरण आपको दे देते हैं, भानु, कवि शब्द ले लेते तो कवि ही, कवि कवया, वहां भी द्विवचन में दीर्घ आ जाता है। भानु शब्द ले लिए तो भानु हूं, भानु, ये भनु नहीं भानु, और भानवः, यहां द्विवचन में क्या आ रहा है, भानु, और दीर्घ ऊ आ रहा है, तो ऊकारांत है, उसके साथ साथ द्विवचन है। तीसरा उदाहरण, ईत का उदाहरण हरि हो गया, उत का उदाहरण भानु हो गया, ये विष्णु हो गया, गुरु हो गया, द्विवचन।
और एत का उदाहरण क्या होगा? रमा रमे रमा। यहाँ क्या है, द्विवचन में एकारांत है, तो ईकारांत उकारांत या एकारांत अगर द्विवचन हो तो वह पूरा क्या कहा जाएगा, यानी तीनों ये दो चीज जरूर होने चाहिए। पहला चीज क्या होना चाहिए, वह या तो ईकारांत हो या उकारांत हो या एकारांत हो। दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि वह द्विवचन हो, ठीक है, तो वो क्या कहा जाएगा, प्रगृह कहा जाएगा, ठीक है ना। ये इतना पता चल गया, तो इतने को मिटा दे जी। अब यहां तक समझ गए ना। उदाहरण इसका क्या दिया है, हरी एतव, हरी एतव। मैंने उदाहरण दिया था ना हरी, है ना, और एतव। यहाँ पर अगर आप संधि का नियम लगाएंगे तो कौन सा संधि का नियम लग रहा है बताइए, वृद्धि हरि प्लस एतव। अगर संधि का नियम लगता तो कौन सा संधि लगता, इकोयणच। बहुत सही, इकोयणच लग रही है ना जी। यहाँ इक है उसके तुरंत बाद अच्छे, तो इकोयणच से संधि हो जानी चाहिए ना, हो जानी चाहिए ना, बिल्कुल हो जाएगी। लेकिन इससे अभी तुरंत पहले हमने कौन सा सूत्र पढ़ा, इससे तुरंत पहले प्लुत प्रगृहया च नित्यम। वो क्या कहता है, प्लुत हो अथवा प्रगृह हो, क्या कहा था, प्लुत हो अथवा प्रगृह हो तो नित्य प्रकृति भाव होता है, यानी जैसे का तैसा रह जाता, उसमें संधि नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं आता। तो हरि एतौ, यहाँ संधि होकर क्या रूप बनेगा, हरि एतौ। संधि नहीं करेंगे तो क्या रूप बनेगा, हरि एतौ, जैसे का तैसा रहेगा। कौन सी संधि हुई है, प्रकृति भाव, किस सूत्र से हुई, प्लुत प्रगृहया च नित्यम। यह प्रगृह है ऐसा किस सूत्र ने बताया, ईदु दे द्विवचन प्रगृहम, ठीक है ना, यह इतना स्पष्टता होनी चाहिए। यह एक प्रगृह है ऐसा किसने बताया, ईदु दे द्विवचन प्रगृहम, क्योंकि ईकारांत है द्विवचन है, इसलिए ईदु दे द्विवचन प्रगृहम ने क्या कहा, यह प्रगृह है, क्या है, प्रगृह है, और प्रगृह के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो उसमें संधि नहीं होती, ऐसा किसने कहा, प्लुत प्रगृहया च नित्यम, प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है ना, ये स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा, ये तो ईत द्विवचन का हुआ, ऊत द्विवचन का उदाहरण क्या दिया है, विष्णु इमौ, ठीक है, विष्णु इमौ। यहाँ आप देखेंगे तो ऐसा हो गया, ये विष्णु द्विवचन है ना जी सर, ऐसा वाला विष्णु विष्णु विष्णावः ऐसा बनता है रूप। यह विष्णु क्या है, उकारांत है और उसके साथ साथ द्विवचन है, ठीक है, ये द्विवचन है, उकारांत होने के साथ साथ द्विवचन है, और द्विवचन होने के कारण ही, उकारांत द्विवचन होने के कारण ही ईदुदे द्विवचनम प्रगृहियम ने क्या कहा कि यह एक प्रगृह है, यह क्या है, एक प्रगृह है ना जी। यहाँ विष्णु केवल करते तो प्रगृह हो जाता, इमौ की ला रहे हैं, संधि नहीं हो रही है ये दिखाने के लिए। प्रगृह का फल क्या है, प्रगृह करने से हमें क्या मिलता है, प्रकृति भाव, प्रकृति प्रगृह करने से प्रकृति भाव होता है, प्रकृति भाव होता है, पर कब होगा, जब उसके तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण होगा ना तो कोई स्वर वर्ण उसके तुरंत बाद दिखाना पड़ेगा ना, हम संधि ना कर दें अच्छी, इसकी भी नहीं तो प्रगृह संज्ञा होगी, इमौ की भी तो नहीं, इमौ की प्रगृह संज्ञा क्यों होगी, नहीं होगी, क्योंकि ई दूदेत इकारांत होना चाहिए, उकारांत होना चाहिए, एकारांत, कि इसकी प्रगृह संज्ञा हुई है तो वही बात है, नहीं प्रगृह, प्रगृह संज्ञा केवल ई दूदेत की होती है ना, यानी इकारांत उकारांत एकारांत तीन ही चीज, ये तो औकारांत है, इसकी कैसे होगी तो ई दूदेत जो द्विवचन हो वह प्रगृह कहा जाएगा,
अच्छा प्रश्न है आपका, सभी के छात्रों के मन पे प्रश्न हो सकता है, आप सब प्रश्न करेंगे तो ज़्यादा ठीक है, यहाँ कम संख्या में लोग हैं, लेकिन ऑनलाइन इसको लगभग 8-9 हज़ार लोग देखते हैं, तो उनका फायदा होगा, आप सब प्रश्न करेंगे अच्छा होगा। तो ये जो होगा प्रगृह्य कब होगा, द्विवचन है इसलिए, ये क्या है द्विवचन है इसलिए प्रगृह्य माना जाएगा। अब ये प्रगृह्य है, ठीक है, कौन सा प्रगृह्य है, विष्णु प्रगृह्य है, और प्रगृह्य के तुरंत बाद स्वर वर्ण आता है तो क्या होता है, नित्य होता है, नित्य प्रकृति भाव होता है, वैसा का वैसा रह जाता है, विष्णु इमौ वैसे का वैसा ही रह जाएगा, ठीक है, विष्णु इमौ कहिए या विष्णु एतौ कहिए, ठीक है, या विष्णु अमु कह दीजिए। अब इसके बाद ये हो गया ईत ऊत का उदाहरण हो गया, इसके बाद हम लेते हैं एत का उदाहरण, गंगे अमु ऐसा है, गंगे, गंगा शब्द जानते हैं ना आप, गंगा शब्द का रूप बताएंगे कैसा होता है, गंगा गंगे गंगा, ये गंगे द्विवचन वाला है ना, द्विवचन होने के साथ साथ एकारांत भी है, तो पहले तो देखना है कि एकारांत इकारांत उकारांत या एकारांत में से कोई है ना, है, उसके साथ साथ क्या है, यह द्विवचन भी है, तो ईदु दे द्विवचन है ना, इसलिए यह प्रगृह्य कहा जाएगा, गंगे क्या कहा जाएगा, अगर उस प्रगृह्य के तुरंत बाद कोई स्वर वर्ण हो तो संधि नहीं होगी, यहाँ कौन सी संधि होनी चाहिए थी, यहाँ एचो वायावा लगना चाहिए था ना, लेकिन नहीं होगा, गंगा या मुंह हो जाना चाहिए था लेकिन नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह एकारांत द्विवचन है, और एकारांत द्विवचन जो होता है उसको ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ने क्या कहा है, कि जो ईकारांत या उकारांत या एकारांत द्विवचन हो वह प्रगृह्य होता है, और जो जो भी प्रगृह्य होता है वह क्या होता है, उसका उसके तुरंत बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है तो संधि नहीं होती, वैसे का वैसा रह जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है, ये स्पष्ट है। तो तीनों उदाहरण हो गए, हरि एतौ, विष्णु इमौ, गंगे अमौ, ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा ना, प्लुत ये यहाँ पर समझना आपको क्या है, समझना यही है कि प्लुत प्रगृह्य यहाँ पर प्रगृह्य क्या है ये बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा इदु दे द्विवचनम प्रगृह्य है ना, और प्रगृह्य होने के बाद क्या होता है, अगर प्रगृह्य होता है तो उसका फल क्या मिलता है, उससे फायदा क्या है, ये समझने के लिए आपको प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम सूत्र से समझना पड़ेगा। प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण हो तो नित्य प्रकृति भाव होता है। इन तीनों सूत्र जो आज हमने तीन सूत्र पढ़े, तीनों सूत्रों को एक से मिला के देखिए, दूरा धूते च सूत्र ने क्या कहा, दूर से अगर किसी को बुलाते हैं तो वाक्य में जो टी होता है उस टी को प्लुत कहते हैं, ठीक है, और अगर प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम क्या कहा, प्लुत हो अथवा प्रगृह हो, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण हो तो प्रकृति भाव होता है। तो पहले हम प्लुत समझ ले, प्लुत को ध्यान रख ले, प्लुत क्या होता है, वाक्य के टी को प्लुत कहते हैं, आगच्छ कृष्ण अत्र गोचरति, यहाँ जो कृष्ण में अ है वह प्लुत है, वाक्य का टी भाग है इसलिए प्लुत है, और यहाँ हरि एतौ में हरि क्या है, प्रगृह्य है, विष्णु इमौ में विष्णु क्या है, प्रगृह्य है, गंगे अमू में गंगे क्या है, प्रगृह्य है, प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो, उसके तुरंत बाद स्वर वर्ण हो तो प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम क्या कहता है कि प्रकृति भाव होता है। तीनों सूत्रों के अर्थ में डिफरेंस क्या है, भेद क्या है, समझ में आया है ना, तो आज आज के पाठ में यहीं पे रोकते हैं, कल इसके बाद के सूत्र को हम देखेंगे।